अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जायका हाउस बाय शबाना शेख। जायका हाउस में आज हम बना रहे हैं शवरमा, और शवरमे के साथ में मैं आपको गार्लिक डिप भी बनाना सिखाऊंगी इस वीडियो में, और फ्रेंच फ्राइज़ भी झटपट सा सिखाऊंगी। तो इसे आप लास्ट तक देखिए, और अगर मेरी आप नेक्स्ट रेसिपी के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चिकन शौरमा के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन। ये 300 ग्राम बोनलेस चिकन है और मैंने इसे इस तरह से लंबाई में काट लिया है। 2 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच लेना है ऑरेंज फूड कलर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून दही, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून तंदूरी मसाला, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेकिन कम डालेंगे, तंदूरी मसाला हम यूज़ कर रहे हैं उसमें नमक होता है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे और सारे मसाले इसमें डाल देंगे, लेमन जूस, दही, तंदूरी मसाला, हल्दी, गरम मसाला, लाल मिर्च का पाउडर, ऑरेंज फूड कलर, अदरक लहसुन पेस्ट और नमक डाल देंगे, और इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिए हैं। अब मैं इसे 1 घंटा रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। चिकन मैरिनेट हो चुकी है, अब हम इसे कुक कर लेंगे। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है और जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें सारी चिकन डाल दूंगी। अब मैं इसे हाई फ्लेम पर इसी तरह चम्मच चलाते हुए पका लूंगी। इसे बंद भी नहीं करूंगी और ना फ्लेम को लो करूंगी, हाई फ्लेम पर इसे पका लेंगे, क्योंकि 1 घंटा मैरिनेट हुई हुई है और चिकन स्ट्रिप्स पतली पतली बिल्कुल कटी हुई है तो बहुत जल्दी ये गल जाएंगी। तो इसे मैं इसी तरह से पका लूँगी। चिकन हमारी रेडी हो चुकी है और हाई फ्लेम पर ही मैंने इसे पकाया है और ये अच्छी तरह गल गई है। आपको मैं दिखाती हूँ, नहीं तो आप सोचेंगे कि हाई फ्लेम पर पता नहीं गली है कि नहीं। ये देखिए, तो हाई फ्लेम पर आप भी पकाइए, लेकिन 1 घंटा आप मैरिनेट करेंगे तो अच्छी बन जाती है। तो अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। अब हम शौरमे के लिए एक सॉस तैयार करेंगे। हम प्लेन मायो का यूज़ नहीं करेंगे, इसे थोड़ा सा हम एक फ्लेवर देंगे। तो इसके लिए अब हम एक सॉस तैयार करेंगे। एक मिक्सी का जार लिया है मैंने, उसमें मैं 3 लहसुन के जवे डाल रही हूँ और इसे मैं पीस ले रही हूँ। लहसुन को मैंने पीस लिया है और इसमें पानी नहीं डालना है, आपको ऐसे ही पीसना है और इतना बारीक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है। अब मैं इसमें 1 कप मेयोनीज़ डालूँगी। मेयोनीज मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच क्रीम, फ्रेश क्रीम जो आती है हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो। तो ये 2 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये गार्लिक डिप हम तैयार कर रहे हैं और इसमें 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मैं फिर से पीस लूँगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से पीस लिया है। गार्लिक डिप हमारी तैयार हो चुकी है, अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। गार्लिक डिप रेडी हो चुकी है, हम शौरमे में इसका यूज़ करेंगे। अब हम फ्रेंच फ्राइज़ भी तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे मैंने, और इन्हें फ्राइज़ के शेप में इस तरह से मैंने काट लिया है। और काटने के बाद इसे पानी रखा है मैंने बॉईल होने के लिए। जब वो बॉईल होने लगा है तो मैंने इसे डाल दिया है उसमें, और इसे सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए मैंने बॉईल किया है, उसके बाद छान लिया है। और छानने के बाद अच्छी तरह से इसको किसी टिश्यू से या किसी पेपर से आपको अच्छी तरह से पोंछ लेना, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो मैंने इतना कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मैदा, 1 से 1.5 टेबल स्पून डालेंगे इसमें मैदा, और नमक थोड़ा सा डालूंगी।
अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा मैदा आपको नहीं डालना है, इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप इस तरह से टॉस भी कर सकते हैं तो ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। अब मैं इसे डीप फ्राई के लिए, तेल अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए, तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसे मैं पूरा कढ़ाई में डाल रही हूँ। डीप फ्राई के लिए तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब मैं फ्राइज इसमें डाल दूंगी। और इसे गोल्डन कलर, लाइट गोल्डन जैसा फ्राइज का कलर होता है वैसा कलर आने तक मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ। फ्राइज फ्राई हो गए हैं, मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ चुका है इस पर और बहुत ही क्रिस्पी भी है ये देखिए, मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पीटा ब्रेड जो रेडीमेड आती है वो यूज़ कर रही हूँ। ये पिज़्ज़ा ब्रेड से थिन होती है, यानी पतली होती है ये पिज़्ज़ा ब्रेड, इससे थोड़ा सा मोटी होती है। तो ये मैंने लिया है, अब मैं इसे ग्रिल पैन पर सेक लूँगी। ग्रिल पैन को मैंने गर्म कर लिया है, अब मैं इस पर रख दूँगी। तेल नहीं लगाना है, कुछ नहीं, बिना तेल लगाए इसको मैं सेक लूँगी। बहुत ज़्यादा कलर नहीं आने देना है, हल्का सा सेकना है। ये एक तरफ से हो चुकी है, ये देख सकते हैं आप, इस पर ग्रिल मार्क्स आ गए हैं। आप फ्राई पैन में भी सेक सकते हैं लेकिन ग्रिल मार्क्स पर इस पर मार्क्स अच्छे से आ जाते हैं, इसलिए मैं इसे ग्रिल पैन पर सेक रही हूँ। तो सिर्फ इतना ही कलर आने देना है, बहुत ज़्यादा सेकना नहीं है। तो दूसरी तरफ भी मैं इसी तरह सेक ले रही हूँ। तो पीटा ब्रेड जो हमने सेका हुआ है वो ले लेंगे। अब हम असेंबलिंग करने जा रहे हैं शॉर्मा की, और इस पर मैं लगाऊंगी ये जो गार्लिक डिप हमने रेडी किया था, इस पर इसे अच्छी तरह से लगा देंगे। तो मैंने यहाँ पर गार्लिक डिप स्प्रेड कर दिया है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चिली सॉस, थोड़ा सा हम 2 टीस्पून चिली सॉस डालेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मैं स्प्रेड कर दूंगी इस पर। बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इस तरह से स्प्रेड करके इस पर हम अब डालेंगे चिकन जो हमने रेडी किया हुआ है। इस तरह से चिकन हम रखेंगे। और इसके ऊपर मैं डालूंगी ये है पत्ता गोभी, और इसे जूलियन में बिल्कुल बारीक बारीक आपको काटना है। तो इसे इस तरह से मैंने काटा है, अब इस पर मैं इसे थोड़ा सा रखूंगी। और फ्रेंच फ्राइज जो हमने रेडी किया है वो रखेंगे। तो इस तरह से ये मैंने रेडी कर लिया है। अब इस पे 1 चम्मच हम डाल देंगे गार्लिक डिप और इसे फोल्ड कर देंगे। इस तरह से इसे हम फोल्ड करेंगे और इस पर एक टूथपिक। लगा देंगे। तो इस तरह से सारे मैं तैयार कर लेती हूँ। तो शॉर्मा रेडी हो चुका है, बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और एक ही वीडियो में मैंने आपको शॉर्मा और फ्रेंच फ्राइज़ और गार्लिक डिप भी सिखाया है। और फ्रेंच फ्राइज़ इसके पहले मैंने आपको और भी सिखा चुके हैं, 3 तरह के सिखाए हैं मैंने, चीज़ी फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ा फ्राइज़, मायो फ्राइज़। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।